आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आधा घंटा हो गया है, वह अभी तक क्यों नहीं आया? देख, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो अपने मिलन बोल ही रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और उसने भीतर कदम रखा। क्या बात है भाई, मान गए तुम्हें, वरना हमें तो लगा था कि तुम डर के मारे बेहोश हो गए होगे। नलिन ने खड़े होकर दरवाजे के भीतर आ रहे अक्षत को बीच में रोकते हुए उसकी पीठ थपथपाकर कहा, तो अक्षत के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट कुछ और बढ़ गई। कमाल है यार, जहाँ जाने की बात सुनकर भी तेरी फट जाती थी, वहाँ अकेले आधे घंटे से ज़्यादा रुक कर आने के बाद भी तू दांत फाड़ रहा है। ऐसा भी क्या देख लिया तूने उधर, या डर के मारे तेरा मानसिक संतुलन ही हिल विल गया है? दूसरे पलंग पर बैठे मिलन ने अक्षत को घूरते हुए सवाल किया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आज तो मैं बस इस वजह से रहा हूँ कि बचपन से लेकर आज तक मैं खामखा भूत प्रेत पर विश्वास कर डरता रहा। यहाँ तक कि जब आप दोनों ने मुझे हॉस्टल की छत पर अकेले जाने का टास्क दिया तो सच में मेरी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन छत पर कदम रखते ही वहाँ के बेहद सुंदर नज़ारे और बहुत ही ठंडी चल रही हवा ने मेरा तमाम डर एक सेकंड में ही ख़त्म कर दिया। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था वापस नीचे आने का, लेकिन फिर मुझे लगा कि आप लोग चिंता करेंगे, इसलिए मैं बस कुछ देर के लिए आया हूँ, अक्षत ने चहकते हुए कहा। तो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। कुछ देर के लिए मतलब? नलिन ने हैरानी से पूछा। मतलब यह कि मैं कुछ ही देर में वापस जाऊंगा ऊपर, और तो और मैंने सोच लिया कि जब तक यहाँ हूँ हर रात कुछ टाइम मैं छत पर ही बिताऊंगा, अक्षत ने कहा। तो दोनों के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। जिस जगह पर लोग दिन में जाने से कतराते हैं, वहाँ यह नया आया लड़का रात को जाने की सोच रहा था, और वो भी रोज़ाना। कोई ज़रूरत नहीं है, सो जा चुपचाप यहाँ, मिलन ने अपने स्वर को कड़ा रखते हुए और फिर अक्षत को कहा। तो अक्षत फिर से मुस्कुरा उठा। वैसे एक बात पूछूं सर, आप कितनी बार गए हो रात में इस पैर ऊपर, अक्षत ने पूछा। तो दोनों बगले झांकने लगे। तभी तो, बस एक बार चलो मेरे साथ, फिर आप कभी मन वहां ठहरने का ना करने लगे ना तो कहना, अक्षत ने कहा। तो दोनों के चेहरे पर छाई दहशत दोगुनी हो गई। देख भाई, हमें कोई शौक वौक नहीं है वहां जाने का, और मैं तो कहता हूं तुझे भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहते हुए नलिन ने उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखा वो पूरी तरह से चौंक उठा। ये तेरा शरीर इतना ठंडा क्यों है, नलिन ने हैरानी से पूछा। अरे बताया तो सही, बहुत कमाल की ठंडी हवा चल रही है ऊपर, लगता है जैसे किसी बर्फीले इलाके में आ गए हो, अक्षत ने कहा। तो दोनों असमंजस में दिखाई देने लगे। लेकिन मिलन बोल ही रहा था कि अचानक लाइट चली गई। लो भैया, अब तो बिजली भी गुल हो गई, अब तो मैं यहाँ मच्छरों के बीच बिल्कुल नहीं सोने वाला, आप लोगों को आना हो तो आ जाना, मैं तो चला, कहकर अक्षत ने अपनी चीज़ें ली और कमरे से बाहर निकल आया। ये सब इतनी तेजी में हुआ कि दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल पाया। क्या ख्याल है, हम भी जाएं क्या, कुछ देर बाद नलिन ने सवाल किया। तेरा दिमाग तो ठीक है, अरे वो नया है, लेकिन हमें तो पता है ना कि वो कैसी जगह है, कितनी सारी अजीब घटनाएं हुई है वहाँ, मिलन के शरीर ने झुरझुरी ली। हाँ लेकिन उनमें से कितनी हमने अपनी आंखों से देखी है, बता। नलिन के सवाल को वो सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद दोनों दबे पांव सीढ़ियां चढ़ रहे थे। छत का दरवाजा खोलते ही एक पल के लिए दोनों का कलेजा मुंह को आ गया। ऐसे भूतों की तरह खड़ा था वहां अक्षत। ऐसे भूतों की तरह यहाँ खड़ा क्या कर रहा है, कुछ संभलने के बाद मिलन दरवाजे से दूर खड़े अक्षत को घूरते हुए बोला, आप दोनों का इंतज़ार, मुझे पता था आप ज़रूर आएंगे।
हाँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हॉस्टल के सबसे बहादुर माने जाने वाले आप मुझे देखकर इतनी बुरी तरह से डर जाएंगे। अक्षत ने हंसते हुए कहा तो दोनों कुछ झेंप गए। ऐसा कुछ नहीं है, हम डरते वरते नहीं किसी से, नलिन ने कहा। तो अक्षत दो कदम आगे बढ़कर उनके कुछ और करीब जा पहुंचा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी आपको एक टास्क देना चाहता हूं, अक्षत ने हाथ बांधते हुए कहा। न जाने उसकी आवाज में ऐसा क्या था कि दोनों में से किसी ने भी उसकी बात का कोई विरोध नहीं किया। आपको बस पूरी छत का एक चक्कर मारकर यहां वापस आना है, लेकिन इसमें भी मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको अगर डर लग रहा है तो आप मत करिए, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलकर वो ठहाके मारकर हंसने लगा। कहा ना, हम नहीं डरते, बोलकर जोशीला मिलन बिना देरी किए आगे बढ़ गया। अक्षत की बातों में वो कुछ ऐसे उलझे गए थे कि उन्हें एहसास नहीं हो रहा था कि ना तो वहां का नजारा सुंदर लग रहा था और ना ही कोई हवा चल रही थी। खुद को ऊपर से बिल्कुल बेफिक्र दिखाने की कोशिश कर रहा मिलन अब चलते चलते विपरीत छोर पर पहुंच गया था। हर तरफ बिखरे पड़े कबाड़ के बीच से रास्ता बनाता हुआ वो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक कुछ देखते ही उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगीं। उसने झटके से छत के दरवाजे की ओर देखा जहां अक्षत मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था, और फिर ना चाहते हुए भी उसकी नज़र एक बार अपने पैरों के पास पड़े बेजान अक्षत पर चली गई। ये नीचे क्या देख रहा है, नलिन ने खुद ही से सवाल किया। वही जो तू नहीं देख पाएगा, अपने ठीक पीछे से उभरी आवाज पर उसने पीछे देखा और देखते ही वो पीछे की ओर उलट गया। उसके पीछे जहां कुछ देर पहले तक अक्षत खड़ा था, अब वहां खड़ा था एक बिना सिर का शरीर। उसके गले वाले हिस्से से फूट रही थी एक भयानक हंसी की आवाज। अगले दिन हॉस्टल में चीख पुकार मची हुई थी। छत के तीन कोनों में तीन लाशें जो मिली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ठंड का मौसम था, शाम के 5 बज रहे थे। मैं अपने घर पर बैठकर चाय की चुस्की ले रहा था कि तभी किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। तो मैं उठकर घर का दरवाजा खोलने लगा। मैंने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त रवि खड़ा है। रवि को खड़ा देख मैंने उससे कहा, क्या बात है रवि? मेरे ये पूछने पर रवि ने जवाब दिया, यार मुझे मौसी के घर गेहूं पहुंचाने जाना है, तो क्या तू मेरे साथ चलेगा? इस पर मैंने रवि से कहा, अरे यार अंधेरा हो गया, अभी जाना जरूरी है क्या? कल सुबह जाने से नहीं चलेगा? ठंड का समय था जिस कारण 5 बजे ही आसमान में सूरज की किरणों की जगह अंधेरे ने अपना डेरा जमा लिया था। मेरे ये बोलने पर रवि ने जवाब दिया, नहीं यार अभी जाना होगा। मैं रवि को मना नहीं कर सकता था क्योंकि रवि भी मेरी काफ़ी मदद करता है। इसके बाद मैं रवि से बोला, ठीक है तू घर जा, मैं 5 मिनट में साइकिल लेकर आता हूँ। इसके बाद मैं अपने घर वालों को बोलकर और साइकिल लेकर अपने घर से निकलकर रवि के घर के पास गया और रवि के घर के पास जाकर आवाज़ लगाया। रवि को बुलाया तो रवि एक बड़ा सा थैला लेकर अपने घर से बाहर निकला और मेरी साइकिल पर बैठ गया। रवि के बैठते ही मैंने साइकिल को चलाना शुरू कर दिया। रवि के मौसी का घर हमारे गांव से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है, तो हम साइकिल चलाकर 7:30 बजे तक रवि के मौसी के घर पहुंच जाएंगे। ठंड का मौसम था, साइकिल चलाने में काफ़ी ठंडी लग रही थी।
मगर मैं क्या कर सकता था। साइकिल चलाए जा रहा था। वैसे तो मैं टोपी स्वेटर पहन आया था, मगर कड़कड़ाते ठंड के आगे मानो टोपी और स्वेटर कोई काम ही नहीं कर रहा था। घटना आज से काफ़ी साल पहले की होने के कारण उस समय हमारे गांव में एक आध घर में ही बिजली की सुविधा थी, मगर रास्ते पर स्ट्रीट लाइट की कोई सुविधा नहीं थी, जिस कारण हम टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। हम अपने साथ दो टॉर्च लेकर आए थे। एक टॉर्च जाने के समय काम आएगा तो दूसरा आने के समय। खैर, टॉर्च की रोशनी के सहारे हम आगे बढ़ रहे थे। खैर, बारी बारी करीब डेढ़ घंटा साइकिल चलाने के बाद मैंने रवि से कहा, यार मैं काफ़ी थक गया हूँ, क्यों ना कहीं रुककर 5 मिनट आराम कर लिया जाए। मेरी बात सुनकर रवि ने कहा, हाँ यार ठीक बोल रहा है, चल उस चबूतरे के पास साइकिल को रोक। रवि के ये बोलते ही मैं ठीक साइकिल को रास्ते के किनारे बने एक चबूतरे पर रोका और साइकिल से उतरकर हम दोनों उस चबूतरे पर बैठ गए। साइकिल चला चला कर हम काफ़ी थक चुके थे, जिस कारण इतनी ठंड में भी हमें हल्का हल्का पसीना आ रहा था। मगर समय को मद्देनज़र रखते हुए 5 मिनट आराम करने के बाद मैंने रवि से कहा, यार अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि हमें वापस भी तो लौटना है। तो इस पर रवि ने कहा, हाँ यार ठीक बोल रहा है, चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम दोबारा से साइकिल चलाकर आगे बढ़ने लगे और करीब आधा घंटा साइकिल चलाने के बाद हम रवि के मौसी के घर पहुँचे। मौसी के घर पहुंचकर जब मैं घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 7:30 बजे का। रवि के मौसी के घर पहुंचते ही मौसी जी ने हमें बैठने को कहा और हमारे लिए नाश्ता पानी का बंदोबस्त करने लगी, मगर हमारे लाख मना करने के बावजूद भी वो नहीं माने। इसके बाद नाश्ता पानी करके जब हमने उनको कहा, अच्छा मौसी अब हम लोग चलते हैं, तो उन्होंने हमें आज रात यहीं रुक जाने को कहा, मगर हम नहीं माने। इसके बाद हमने साइकिल उठाकर सीधा घर की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। उस समय रात के 9 बजना यानी कि आज के ज़माने के 12 बजने के समान। दूर दूर तक रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूब चुका था। पूरे रास्ते पर हमें हमारे अलावा और कोई इंसान तो दूर एक जानवर तलक भी नहीं दिख रहा था। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी ठंड भरी रात में कौन ही रात को घर से बाहर निकलेगा। हमें ठंड भी इतनी लग रही थी कि हम कांपे जा रहे थे। हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे उस रास्ते के दोनों ओर ना तो कोई घर था और ना ही कोई दुकान, बस था तो घना जंगल जिसमें से काफ़ी तेज जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। एक डर हमें ये भी सता रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला न कर दे, फिर भी हम हिम्मत बढ़ाकर आगे बढ़े जा रहे थे। पूरे रास्ते पर इतना कोहरा फैला हुआ था कि हमारी टॉर्च की रोशनी उस कोहरे में बर्फ के चादर के समान दिखाई पड़ रही थी, मगर फिर भी हम घने कोहरे और अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। लगभग आधा सफ़र तय करने के बाद अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी काफ़ी अच्छी चल रही हमारी साइकिल अचानक से रुक गई। तो काफ़ी अच्छी चल रही साइकिल अचानक से रुकने पर हम एकदम से चिंता में पड़ गए कि मैंने तो ब्रेक भी नहीं दबाया तो साइकिल रुकी तो रुकी कैसे। मगर चिंता में टालने वाली बात, पैंडल मारे जा रहे थे हम, फिर भी साइकिल आगे नहीं बढ़ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है और हमारी साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही। इस पर मैंने रवि से कहा, यार ये क्या, साइकिल को पैंडल मारे जा रहा हूँ मगर साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही। रवि भी काफ़ी हैरान था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे मगर साइकिल थी जो टस से मस नहीं हो रहे थे। अभी हम काफ़ी कोशिश कर ही रहे थे कि तभी हमें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर
किसी के हंसने की आवाज़ सुनकर हम और भी ज़्यादा चौंक गए। उस हंसने की आवाज़ को सुनकर हमने अपनी निगाहें चारों ओर घुमाई, मगर समझ नहीं आ रहा था कि यह हंसने की आवाज़ आ कहाँ से रही है कि तभी रवि ने कहा, ऊपर देख, ऊपर पेड़ पर। रवि के ये बोलते ही मैंने टॉर्च की लाइट के साथ साथ जब अपनी निगाहें रास्ते के किनारे लगे पेड़ के ऊपर घुमाई तो मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लग गया और मेरे हाथ पैर फूलने लग गए, क्योंकि ऊपर पेड़ पर एक बूढ़ी औरत अपने पैर लटकाकर बैठी हुई थी। साथ ही साथ उस बूढ़ी औरत का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। ये देखकर मैं समझ गया कि औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और इसी चुड़ैल की काली शक्ति ने हमारे साइकिल को रोक रखा है। मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या, मगर हम इतना ज़रूर जान चुके थे कि हम काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। रवि डर के मारे कांप रहा था। इस पर मैंने रवि से कहा, यार काफ़ी बुरा फंस गए हम लोग, अब हमारा बचना नामुमकिन है। अभी मैं इतना बोल ही रहा था कि तभी वो चुड़ैल हवा में तैरते हुए हमारे सामने आ खड़ी हुई। चुड़ैल को अपने सामने देखकर हम और भी ज़्यादा कांप रहे थे कि तभी अचानक उस चुड़ैल ने अपने लंबे लंबे दोनों हाथ बढ़ाकर हम दोनों का गला पकड़ लिया और हमें मार डालने की कोशिश करने लगी। उस चुड़ैल ने हमारा गला इतनी ज़ोर से दबा रखा था कि हम जितने भी छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे मगर छुड़ा नहीं पा रहे थे। अभी हम मरने ही वाले थे कि तभी अचानक दो चार टॉर्च की रोशनी हम पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। धीरे धीरे जब वो टॉर्च की रोशनी हमारे करीब आई तो हमने देखा कि दो चार लोग हैं जो इसी रास्ते से कहीं जा रहे थे, जिनको आता देख वो चुड़ैल गायब हो गई। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई, जिसके बाद हम जल्दी जल्दी भागकर अपने घर चले आए और कभी रात को उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।